뭔가 몇 세? हेलो गाइस, अभी मैं आया था दोस्त के रूम पे। हम लोग के बहुत दिन हो गए थे, मिला नहीं था उससे। तो उसके रूम से अब जा रहा हूँ मेरे रूम पे। और 2 दिन से पता है दोस्त के साथ हॉस्पिटल में था, तो नींद पूरी हो नहीं पाई है। तो आज ड्यूटी में भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मतलब कि आँखें मिचाई रही थी, और अभी नींद आना स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रहा था कि ब्लॉग शूट कर लूं और उसके बाद मतलब कि अपलोड कर बाद सो पर। और हाँ, अभी तो सरप्राइज बाकी है, तो सरप्राइज बताते हैं। और हो सके तो ब्लॉग को एडिट करके अपलोड कर देते हैं, उसके बाद सुनेंगे। तो चलते हैं अपने सरप्राइज की ओर। ये देखो फ्रेंड, ये है कैमरा स्टैंड। अभी मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा है। जो रूम पार्टनर है उसने देखा होगा, तो मैंने अभी जस्ट अभी निकाला हूँ क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला देखने को। तो इसी की बात कर रहा था, ये सरप्राइज़। क्योंकि वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मोबाइल से, क्योंकि पता है हाथ स्थायी नहीं रह सकते, हलते रहते हैं। तो मैंने कैमरा स्टैंड बुलाया था ऑनलाइन, तो वो आ चुका है। तो आज पार्सल हुआ है, दोस्त के नंबर दिए थे तो दोस्त ने ले लिया है। तो अभी देखते हैं इसको निकाल के। और इसमें एक माइक भी था, तो माइक भी देखते हैं। ये है शायद माइक, छोटा सा ये मोबाइल रखने का है। और ये है अपना कैमरा स्टैंड। तो इसको मैं असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये तैयार हो चुका है। ये रहा है मेरा कैमरा स्टैंड। तो अब जो वीडियो बनेगी इसी से शूट करा करूँगा मैं। माइक, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं अभी मेरे को पता नहीं है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी एडिटिंग भी करना है। तो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू। हेलो गाइस, तो आज है 22 तारीख, 22 जनवरी 2022। और आज ब्लॉग सुबह से तो कुछ कर नहीं पाया मैं। अभी 6 बज रहे हैं, अभी मैं ड्यूटी से आके नहाया हूँ और बैठा हूँ। और चमन मेरी तबीयत ठीक है, अब जा रहा है वो, लेकिन अब नहीं आएगा वो। अब उसे मिलना नहीं होगा कभी भी। अभी नहीं मिल पाऊंगा मैं उससे। बोलते जरूर है कि मिलेंगे, पर ऐसा है ना कि 700-800 किलोमीटर दूर, कभी चाहो भी तो कौन इतना दूर आएगा। उसने बोला तो है कि आऊँगा करके, पर मेरे को नहीं लगता कि आएगा वो। आज मतलब कि हमेशा के दूर हो गए हैं।
कि तेको बोल भी नहीं सकता मैं कि रुक जा करके, क्योंकि कभी ना कभी तो अलग होनी ही है, दिक्कत बात है। और वैसे भी तेरा साथ रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तेरा अच्छा रहना, ठीक रहना इम्पोर्टेंट है। तू घर पे यहाँ से ठीक रहेगा ना तो खुश रहेगा, और तेरी खुशी में मेरी खुशी। देखो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जानता था, मतलब अभी चलो अभी तू रुक भी जाता है, चलो आ भी जाएगा, पर बाद में फिर जाएगा, और तब शायद अभी जो जितनी तकलीफ हो रही है उससे कई गुना ज्यादा होगी। बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 जनवरी, संडे है। अभी मैं 3 4 दिन से ब्लॉग अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे पास बने हुए सभी दिन के ब्लॉग है। लेकिन अभी वो ज़्यादा बिजी टाइप में चल रहा था, तो उनको मैं ना एडिट कर पाया ना अपलोड कर पाया। तो वैसे मैं बोलता हूँ, पर आज पक्का है कि उनके सभी ब्लॉग या तो फिर डे बाय डे थोड़े थोड़े करके अलग अलग अपलोड करूँगा, या फिर एक ही में एडजस्ट करके थोड़ा बहुत काट काट के मिला के फिर आपको बताऊँगा 3 दिन का। और आज के ब्लॉग में इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बस जो पुराने ब्लॉग हैं उन्हीं को एडिट करके अपलोड करेंगे। आज का तो सिर्फ यही वाला पोर्शन डालूंगा, यदि कुछ होता है तो ऐड कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए मेरे आने वाले सभी वीडियो। यदि आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो मैं अभी बना रहा हूँ चाय। अभी उठ तो मैं 5 बजे गया था, पर मोबाइल चला रहा था, और वैसे ठीक है वैसे सब। वो ये ब्लॉग अभी टाइम मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गया था ना कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था, अपलोड वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया कुछ भी, सब पर वीडियो बना के रखी हुई है। तो आज ज़रूर आएगा ब्लॉग, तो जाके ज़रूर देखे, और मतलब देखोगे तभी तो ये आपको पता चलेगा कि मैंने ब्लॉग बनाया हो, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पहले ब्लॉग बनाया हो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, लव यू।